काबिलियत तो इंसान में है इतनी कि जन्नत भी चुका दे, एक बार पहचान ले अपनी काबिलियत तो कुदरत भी हिला दे। मेरी प्यारी माँ, छोटी थी तब सोचती कि तेरे हाथों में जादू है, चाहे रसोई में से उठती सुगंध हो या फिर तेरे हाथों के बने सुंदर सजीव खिलौने। हर खिलौना लगता कि बस बोलना ही चाहता हो। जीवन जीने का पहला पाठ मैंने तुझसे और तेरे इन्हीं खिलौनों से सीखा। पापा के अचानक चले जाने के बाद तूने इन्हीं खिलौनों को अपनी जीविका का साधन बना लिया था, पर उस समय तेरे इस हुनर को समझने वाला कोई न था। तेरे ये सजीव खिलौने वो तो तेरे निरीह जीवन यापन का साधन मात्र थे माँ। पर तुझे पता है माँ, हमारी नई शिक्षा नीति में सरकार ने भी वोकेशनल स्टडीज को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का अभूतपूर्ण निर्णय ले लिया है। मैं तेरे पास वापस आ रही हूँ माँ, तेरे दिए हुए इस हुनर को मैं पहचान देना चाहती हूँ। मैं अध्यापिका बनकर आने वाली पीढ़ियों को ये कला सिखाना चाहती हूँ, जिससे हर बच्चा अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सके, उसे निखार सके और संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सके। माँ, आत्मविश्वास की रोशनी से उसका जीवन भी वैसे ही जगमगा उठे जैसे आज मैं जगमगा रही हूँ तेरी दी हुई रोशनी से। थैंक यू माँ, लव यू।